वेलकम टू रूपीज किचन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज रूपीज किचन में हम बनाने वाले हैं भांग की चटनी। ये जो है भांग के पौधों में जो बीज लगता है उसकी चटनी होती है। ये ज्यादातर उत्तराखंड में बनाई जाती है और ये डिश उत्तराखंड की मशहूर चटनी है। ये मैं दिखाती हूँ आपको भांग का बीज कैसा दिखता है। ये देखिए भांग के बीज जो है ऐसे दिखते हैं। और कुछ लोगों को भांग शब्द सुन के लग रहा होगा कि इससे नशा होता है, पर लेकिन ये वही भांग के पौधे में लगता है बट लेकिन इसके बीजों में नशा नहीं होता है। तो ये चटनी जो है उत्तराखंड में हर घर घर में बनाई जाती है और ये स्वाद में भी काफ़ी अच्छी होती है। चलो मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ कि इस चटनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। यहाँ पे मैंने जो है एक कटोरी करीब भांग ली है, इसको भुनेंगे हम। और हमें चाहिए होंगे 3 से 4 हरी मिर्च और टमाटर, इस तरीके से बड़े कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। और एक प्याज लिया है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा अदरक चाहिए होगा, और 4 से 5 हमें इसमें लहसुन चाहिए होंगे, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और हल्का सा इसमें जीरा डालेंगे। चलो सबसे पहले भांग को भून लेते हैं। तवे को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे भांग और इसे हमें हल्का सा भून लेना है। ध्यान रहे जब आप इसको भून रहे हो तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा चटकता है, तो इसलिए आपको आराम से करना है। हल्का सा रोस्ट करेंगे बस इसे। बस हो गया है, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करने के लिए डालेंगे। भांग को ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे, तो इसे डालेंगे हम एक मिक्सी जार में और इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लहसुन 4 से 5 और थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये देखिए हमारी भांग की चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया दिखती है चटनी। अगर आपको ज्यादा गाढ़ी नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। आपने देखा इस चटनी को बनाना कितना आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है और काफी टेस्टी होती है। आप राइस के साथ, पराठे के साथ, आप किसी के साथ भी खाएं, ये काफी अच्छी लगती है। आप भी इस भांग की चटनी को एक बार जरूर बनाएं, डेफिनेट है ये आपको जरूर पसंद आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।